दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई छोड़कर आरसीबी से ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा। खुद रोहित शर्मा ने किया इस बात का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आईपीएल 2024 की नीलामी के बाद से मुंबई की टीम का साथ छोड़ने के लिए रोहित शर्मा तैयार है। ऐसे में अब रोहित शर्मा ने खुद मुंबई को छोड़कर बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने का फैसला किया। इसका खुलासा करते हुए रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो आखिरकार बेंगलुरु की टीम की तरफ से ओपनिंग करने पर रोहित शर्मा ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक सलामी बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 की नीलामी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है, जहां पर सभी टीमों ने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए तमाम खिलाड़ियों को शामिल किया। हालांकि आईपीएल 2024 की नीलामी की समाप्ति के बाद मुंबई की टीम एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है। आपको बता दें, मुंबई की टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए और रोहित शर्मा के साथ मुंबई के तमाम खिलाड़ियों ने मुंबई की टीम को छोड़कर जाने का प्लान बना लिया। इस दौरान रोहित शर्मा मुंबई की टीम को जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इस बीच उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए तमाम तरह के ऑफर भी सामने आ रहे हैं और तमाम टीमें उन्हें करोड़ों रकम देने के लिए तैयार है। हालांकि अब खबर सामने आई है कि रोहित शर्मा को बेंगलुरु की टीम अपने कैंप में शामिल करने के लिए तैयार है और उन्हें टीम के अंदर ओपनिंग करने का मौका भी देने वाली है। इस दौरान खुद कप्तान रोहित शर्मा ने इस बात का खुलासा किया। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने बयान देते हुए बताया कि उन्हें बेंगलुरु की टीम की तरफ से ऑफर आया है कि वो उनकी टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दें और ओपनिंग करते हुए दिखाई दें, जिसके चलते बेंगलुरु की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाए और बेंगलुरु की टीम आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम भी बन जाए। हालांकि बेंगलुरु की टीम के पास फिलहाल काफी खतरनाक सलामी बल्लेबाज है, जहाँ पर विराट कोहली आईपीएल में ओपनिंग करते हैं और बेंगलुरु के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते दिखाई देते हैं। इनका साथ देने के लिए प्लेसेस खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन अब रोहित शर्मा को विराट कोहली टीम में शामिल करने के लिए तैयार है और उन्हें ओपनिंग करने का मौका देने वाले हैं और खुद टीम के अंदर तीसरे नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि क्रिकेट में उनकी सबसे फेवरेट पोजीशन भी साबित हुई है। इस दौरान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मुंबई की टीम को छोड़कर किसी और टीम में शामिल करने के लिए तमाम टीम बातचीत कर रही है। तमाम टीमें एक बात मुझसे कह रही है कि मुझे करोड़ों रुपए देने के लिए वो तैयार है और अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मन मर्जी से किसी टीम में जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मुंबई की टीम को छोड़कर मैं बेंगलुरु की टीम में जा सकता हूँ। हालांकि अभी मैं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मुंबई की टीम को अगर मैं छोड़ता हूँ तो बेंगलुरु की टीम में शामिल हो सकता हूँ, जहाँ बेंगलुरु की टीम की तरफ से मैं विराट कोहली के साथ खेलकर बेंगलुरु को चैंपियन बनाने की कोशिश करूंगा। इस दौरान मुझे ओपनिंग करने का मौका भी बेंगलुरु की टीम दे रही है। हालांकि अभी मैं फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मुंबई की टीम को छोड़कर किसी और टीम में जाने के लिए अपने करियर का बड़ा फैसला समय के साथ लेना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा आरसीबी की टीम की तरफ से आईपीएल में ओपनिंग करते दिखाई देंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, आईपीएल 2024 की नीलामी समाप्त हो चुकी है, जिसमें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी भी टीम में शामिल हुआ है। इस दौरान हैदराबाद और गुजरात की टीम ने सबसे ज्यादा बेहतरीन रणनीति के साथ कई खिलाड़ियों पर दाव लगाया। ऐसे में अब नीलामी के समाप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की टीम का समर्थन करते हुए टीम के अंदर आईपीएल के किंग को शामिल करते हुए गुजरात की टीम की पूरी प्लेइंग 11 को बदलकर रख दिया और टीम के अंदर कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले शुभमन गिल को शामिल किया है, जो गुजरात की टीम के नए कप्तान हैं। इन्होंने पिछले साल गुजरात की टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में एक बार फिर से इस खिलाड़ी के ऊपर बेहतर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इस दौरान ये खिलाड़ी इस बार हार्दिक पांड्या के जाने के बाद नए कप्तान के रूप में खेलेगा। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए रिद्धिमान साह को टीम में शामिल किया गया, जो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए दिखाई दिए थे और गुजरात की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए पूरे सीजन देखे थे। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर तूफानी बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन को शामिल किया, जिन्होंने पिछले साल के फाइनल में महत्वपूर्ण पारी खेली थी और सभी को प्रभावित कर दिया था। सुदर्शन के ऊपर एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम को चैंपियन बनाने का कार्य खिलाड़ी कर सकता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने टॉप ऑर्डर में बैकअप के तौर पर रोहित शर्मा को शामिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आईपीएल के किंग रोहित शर्मा मुंबई की टीम के साथ हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के कारण छोड़ सकते हैं। ऐसे में अब रोहित शर्मा का कप्तान न रहना मुंबई को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। इसके चलते अब मुंबई की टीम को छोड़कर रोहित शर्मा किसी और टीम में जा सकते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा को ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया जा सकता है, जो अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दिला सकते हैं। और अगर ये खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल होता है तो रोहित शर्मा को गुजरात की टीम शुभमन गिल की जगह पर एक बेहतरीन ब्रांड होने के कारण अपनी आईपीएल टीम का कप्तान बना सकती है।
तो वही नरेंद्र मोदी ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए 3 विलियमसन को शामिल किया है, जो कि तूफानी बल्लेबाजी करने के साथ टीम को संभालने का कार्य कर सकते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को परेशान करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान को खेलने का मौका नरेंद्र मोदी ने दिया है, जिनको 7.4 करोड़ रुपए में गुजरात में शामिल किया गया है। ऐसे में अब इनके लिए बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के साथ मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी इस पर रहने वाली है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने डेविड मिलर को 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शामिल किया है, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी परिस्थिति से मैच को निकालने का कार्य कर सकते हैं और गुजरात को चैंपियन बना सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ऑलराउंडर के रूप में राशिद खान को शामिल किया है, जो बेहतर बैटिंग और बॉलिंग के साथ टीम के लिए उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने साई किशोर को शामिल किया है, जो बेहतर बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर सकते हैं और विरोधी टीम को चारों खाने चित कर सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को शामिल किया है, जो भारत ही नहीं गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। ऐसे में इनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद है। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए उमेश यादव खेलेंगे, जो 5.80 करोड़ में गुजरात की टीम में शामिल हुए हैं। ऐसे में इनके ऊपर मोहम्मद शमी के साथ बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी है। साथ में अंतिम गेंदबाज के तौर पर जॉनसन को शामिल किया जा सकता है, जो 10 करोड़ में टीम में शामिल हुए हैं। ऐसे में इनके ऊपर ज्यादा प्राइस का दबाव रहेगा। इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम के अंदर नरेंद्र मोदी ने कार्तिक त्यागी को शामिल किया है, जो 2.2 करोड़ में टीम को शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इन प्लेयर्स के साथ गुजरात दूसरी बार चैंपियन बन सकेगा। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने रोहित शर्मा, 27 करोड़ में चेन्नई की टीम में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचल स्टार्क नहीं बल्कि रोहित शर्मा बन चुके हैं, जो चेन्नई की टीम में शामिल हो गए हैं। चेन्नई की टीम में रोहित शर्मा के शामिल होने से पूरी की पूरी प्लेइंग 11 बदल चुकी है। तो आखिरकार अचानक से रोहित शर्मा को 27 करोड़ की रकम में चेन्नई की टीम ने कैसे हासिल किया, यह तो आपको बताएंगे। साथ में इस पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है IPL का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, IPL 2024 की नीलामी समाप्त हो चुकी है। IPL 2024 की नीलामी दुबई में आयोजित हुई थी, जहां पर सभी 10 टीमों ने 333 खिलाड़ियों पर दाव लगाया था। इस दौरान बेहतर खिलाड़ियों ने अपनी खिलाड़ी जगह पक्की कर ली, जहां पर लगभग 40 करोड़पति बने, तो वहीं खिलाड़ी 10 करोड़ से ज्यादा की रकम हासिल करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में IPL 2024 की नीलामी के तुरंत बाद IPL के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान रोहित शर्मा चेन्नई की टीम में 27 करोड़ की भारी भरकम रकम के साथ शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 भी बदल चुकी है। तो रोहित शर्मा के आने से चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हुआ है, यह पूरी आपको बताने वाले हैं विस्तार से। लेकिन टीम में सबसे पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए हैं, जो कप्तान की भूमिका के साथ विकेट कीपर की भूमिका साथ में निभाते हुए दिखाई देंगे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ओपनिंग न करके मध्यक्रम में खेलेंगे। ऐसे में इनका सबसे ऊपर कप्तान के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है, जो पिछले सीजन में चेन्नई की टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए आए थे और लगातार चेन्नई की टीम को जीत दिलाने का काम कर रहे थे। ऐसे में उनकी जगह टीम के अंदर पक्की हो चुकी है।